ईडीसी में जो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, जो सेकंड चैप्टर है वो है आपका ट्रांजिस्टर ऑडियो एंड पावर एम्पलीफायर, या आप कह सकते हैं लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। बात है ना, लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर में इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले आप उसको समझिए। सब लोग यहाँ देखिए, देखिए अभी तक आप जो पढ़ रहे थे ना, तो सिंपल आप बीजेटी वगैरह में पढ़ के आए हो, वो सारे आपके कौन से थे, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं फिर आपने इसी के अंदर कपलिंग पढ़ी, इस कपलिंग को यूज करके हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के बारे में हमने बात की। अब इसके बाद में हम और आगे चल रहे हैं एम्पलीफायर्स की रेंज में। अभी आपने कपलिंग पढ़ी है सर, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की कपलिंग पढ़ी है, अभी आपने एम्पलीफायर का टाइप नहीं पढ़ा, एम्पलीफायर के टाइप पढ़। अब जो मैं आपको एम्पलीफायर्स पढ़ाऊंगी, वो जो एम्पलीफायर है वो लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर, पहले आपने क्या पढ़ा है, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, जो मैंने आपको अब तक पढ़ाया फर्स्ट ईयर में और अब तक फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर में जो आपका एम्पलीफायर है दैट इज लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। इस लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर में सबसे आप पढ़ोगे वोल्टेज एम्पलीफायर एंड पावर एम्पलीफायर। आज वैसे मैं ये पढ़ाऊंगी, इसमें और क्या है वो समझना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि पावर एम्पलीफायर कैसे काम करता है, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है ना। तो हम अब फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में बात करेंगे, कपलिंग हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो वो कपलिंग टेक्निक आपकी सब जगह, कपलिंग हर जगह चलती रहेगी पूरे सेकंड चैप्टर। इसी में हम आगे पढ़ेंगे हमारे कि कैसे हमें आउटपुट कैसी चाहिए, उस आउटपुट के अकॉर्डिंग हम वोल्टेज एम्पलीफायर पावर एम्पलीफायर की आगे कैटेगरी बनाएंगे, क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर और क्लास ए बी एम्पलीफायर। तो एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, आपके क्या है छः एम्पलीफायर्स के बारे में आप पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पे किसका कैसे यूज हो रहा है, हमें आउटपुट कैसे मिल रही है, हमें कैसे की ज़रूरत है, कैसी हमें कैसी आउटपुट चाहिए, उसके बिहाफ पे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी चीज़ें क्या होती हैं डिज़ाइन होती हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट जैसी थी उनको हमने कैटेगराइज किया अलग अलग कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले आप वोल्टेज एम्पलीफायर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पहली बार अब तक जो आप पढ़ते आ रहे हो आपको वोल्टेज एम्पलीफायर ही पढ़ते आ रहे हो। वोल्टेज एम्पलीफायर कैसे, आपने इनपुट पे वोल्टेज दी, आपने आउटपुट पे हमेशा वोल्टेज ही लिखा, आपने कभी भी वहां पावर नहीं लिखा, समझ आए मेरी बात। तो हेडिंग डालिए लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर, लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर, लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर का ही दूसरा नाम है ऑडियो पावर, ऑडियो पावर एम्पलीफायर। लिखिएगा ऑडियो पावर एम्पलीफायर की हेडिंग डालिए उसके आगे ऑडियो पावर एम्पलीफायर। अभी समझाती हूँ, ये इन दो का कॉम्बिनेशन जो होगा, वोल्टेज एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर का कॉम्बिनेशन होगा ऑडियो पावर एम्पलीफायर, ऑडियो पावर एम्पलीफायर। अब मैं जो आपको पहले एक लाइन लिखवा रही हूँ उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी, देखिए जरा। वो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के, जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स के
पावर लेवल को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज कर देता है ऑडियो पावर एम्पलीफायर कहलाता है। अब यहां सुनिए, पहले इसको समझते हैं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इसके अंदर क्वेश्चन ये आता है कि एम्पलीफायर था तो अभी तक हम हर जगह हमने वोल्टेज एम्पलीफायर पढ़ा, अब जैसे ही मैंने पावर एम्पलीफायर को उसके अंदर ऐड किया, पावर एम्पलीफायर को ऐड किया, पहली बात उसकी जरूरत क्या पड़ी पावर एम्पलीफायर की, ठीक है। और पावर एम्पलीफायर की जरूरत पड़ी तो अब आपको जब मैं आपको ये बताऊंगी कि पावर एम्पलीफायर की जरूरत क्यों पड़ रही है तो आपको ये समझ आएगा पावर एम्पलीफायर वोल्टेज एम्पलीफायर के बिना काम नहीं कर सकता। पावर एम्पलीफायर वोल्टेज एम्पलीफायर के बिना काम नहीं कर सकता, यानी पावर एम्पलीफिकेशन के लिए हमें पहले वोल्टेज के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बता रही हूँ, नीड ऑफ पावर एम्पलीफायर, इसके अंदर आपकी पूरी कहानी आ जाएगी। देखो बच्चों, मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे आप एक माइक्रोफोन में बोल रहे हो या आप अपने माइक में बोल रहे हो, ठीक है, आपने माइक में बोला, अगर मैं इस लेवल से बोल रही हूँ, ऐसे बोल रही हूँ, तो क्या आपकी सेकंड क्लास में मेरी आवाज सुनाई देगी? हाँ, तो वही तो बता रही हूँ, अगर वहां पे स्पीकर या लाउड स्पीकर आप कुछ भी कह सकते, ठीक है, जैसे मंदिर में या नमाज पढ़ने के टाइम पे जो बोलते हैं वो बहुत बहुत देर दूर तक सुनाई देता है, ठीक है। जैसे सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो सबको पता है, तो वहां पे आपको बताओ चाहे तो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो चाहे गुरुद्वारा हो, वहां पे लाउड स्पीकर लगे रहते हैं, तो जो भी आप अनाउंस करते हो वो सब जगह पता लग जाता है, ठीक है। तो जो हम माइक्रोफोन में बोल रहे हैं, अगर वो लाउड स्पीकर ना लगा हो, एक चीज, लाउड स्पीकर का मतलब वो स्पीकर से कनेक्टेड, ठीक है, तो अगर आपका लाउड स्पीकर ना लगा हो, मतलब स्पीकर ना लगे और आप माइक्रोफोन में बोलो, तो कुछ लेवल तक तो वैल्यू बात जाएगी आपकी, और कुछ समय के बाद वो क्या हो जाएगी, फटनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों तक, कुछ घरों तक तो नॉर्मल बात जाएगी कुछ रेंज तक, उसके बाद में आपकी आवाज़ फटनी शुरू हो जाएगी। अगर आप अपने फोन का स्पीकर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दो तो कुछ लोगों को तो वो नॉर्मल सुनाई देगा, उसके बाद में घोंग 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 सुनाई देगी, आपको फटी नहीं होगा, ठीक है। तो वहां कहने का क्या मतलब है, वहां कहने का सेंस ये है कि वहां पे आपका जो वो पावर थी, वो जो लेवल था आपकी वॉइस का, वो क्या हो गया, कम हो, जिसकी वजह से वो एज अ शोर कंसीडर हो गया, समझ आ गई, वॉइस कंसीडर हो गया। तो अब हम क्या करें, अब हम ये करें कि हम उसकी अगर पावर लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो हमने एक स्पीकर कनेक्ट कर दिया, इंप्रूव हो गई, फिर मैंने और ज्यादा, अभी मैंने 1.2 यूज़ किया 2.1 से, फिर मैंने दो स्पीकर और कनेक्ट कर दिए, एक ही मोबाइल के साथ आपने 4 स्पीकर्स कनेक्ट कर दिए, फिर आपने दी, तो जितने ज़्यादा स्पीकर्स कनेक्टेड होंगे लेवल उतना बढ़ता चला जाएगा, हाँ या ना। अभी से 4 कॉलम वाले आते हैं, आप यहाँ बजा रहे हो कम से कम 2 किलोमीटर पर सुनाई देगा आराम से कि क्या बज रहा है, और जो आपके शादियों में डीजे सुनाई दिए जाते हैं तो कहीं पे भी बज रहा हो, अगर यहाँ पे बज रहा है तो आपको सरस्वती विहार तक आराम से सुनाई देगा कि कुछ बज रहा है, ठीक है। अब उसमें भी डिपेंड करता है कि कैसी क्वालिटी वाला डीजे बज रहा है, समझ आ गई मेरी बात। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपने उसके पावर लेवल को बढ़ाया है, क्या बढ़ाया है, पावर के लेवल, ठीक है। तो मैम, अब ऐसा भी हो सकता है कि हम वोल्टेज लेवल को, वोल्टेज एम्पलीफायर को यूज ही ना करें, हमें लेवल बढ़ाना था तो हमने पावर को बढ़ाया, तो मैं पावर एम्पलीफायर को यूज कर लूँ, मैं वोल्टेज एम्पलीफायर को यूज ही ना करूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। होता क्या है कि जब भी आप माइक्रोफोन में या किसी भी सिस्टम में, आप कोई, मैं जनरल में आपको बता दें, जो हम सब कुछ देखते हैं, हमने जब भी हम उस माइक में या माइक्रोफोन जो भी कनेक्टेड होता है उसमें कुछ बोलते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे मुंह से कौन सी वेव्स निकलती है, साउंड वेव्स, क्या निकलती है, साउंड वेव्स। और हम जितना भी डीसी में पढ़ते हैं वो क्या है, आपकी कौन सी इलेक्ट्रिकल वेव्स, समझ आई मेरी बात।
तो आपका जो माइक्रोफोन है, जो भी आप बोलते हो इसके अंदर माइक्रोफोन या माइक एनीथिंग, वो क्या करता है, माइक्रोफोन एक तरह से एक कन्वर्टिंग डिवाइस, क्या है, कन्वर्टिंग डिवाइस, जो क्या करती है हमारी एक तरह की निकलने वाली वॉइस को, सिग्नल्स को, ये भी सिग्नल्स है लेकिन ये कौन से साउंड, ये साउंड की हमें, मैं बता रही हूँ, ये भी वेव्स हैं जो वो कन्वर्ट करेगा, वे भी वेव्स हैं, ये भी सिग्नल्स हैं, वो भी सिग्नल्स हैं, लेकिन ये सिग्नल उस रेंज में, आपको याद होगा एक रेंज डिसाइडेड होती है आपकी, अगर 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक के बीच के जो भी सिग्नल्स होंगे वो आपको नॉर्मली सुनाई देंगे, लेकिन 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आपको शोर सुनाई देंगे, अगर कहीं पर ढोल बज रहा है, अब बिल्कुल कान के पास में बज रहा है, बिल्कुल बराबर में, तो वो इरिटेट करता है, लेकिन अगर वो दूर बज रहा है तो वो बहुत अच्छा होता है, समझ आ रही मेरी बात, घंटी बज रही है, अगर वो कान के अंदर बजेगी तो बहुत इरिटेट करेगी, लेकिन अगर दूर बज रही है तो वो क्या करती है, वो अच्छी लगती है, प्रेजेंट लगती है, समझ आ गई मेरी बात, तो वो जो फ्रिक्वेंसी बैंड, वो जो सिग्नल्स का बैंड बनाया गया है, हम क्या करते हैं, आपके है सारे सिग्नल्स, वो क्या करता है, साउंड वेव को, हम जो बोलते हैं उस साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है, कौन सा, लाउडस्पीकर। जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करके किसी सिग्नल को प्रोसेस करते हैं, जैसे अगर आप घर के सिग्नल्स की बात करो, तो मैंने बताया था किसी भी तरह का सिग्नल हो, आपने किसी को टेक्स्ट भेजा, मैसेज भेजा, ठीक है, वो सिग्नल भी किसमें, टेक्स्ट सिग्नल किसमें कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पहले इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा, फिर जब वो प्रोसेस होगा आपके वातावरण के थ्रू, सिग्नल्स प्रोसेस करेंगे दिल्ली से या इस मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में, या इस रूम से मैंने किसको मैसेज जो मैं आपको भेजा, तो उनकी केबिन तक वो सिग्नल प्रोसेस होके जाएगा ना, वायरलेस यूज कर रहे हैं ना, वायर्ड कम्युनिकेशन नहीं यूज कर रहे हैं हम, वायरलेस कम्युनिकेशन को यूज कर रहे हैं, तो कोई तार तो नहीं है ना मेरे फोन के साथ कनेक्टेड, तार के साथ, इस फोन के साथ कोई तार तो कनेक्टेड नहीं है ना, तो वो वायरलेस होगी बिना तार, तो क्या करेगा वो एक टाइप के सिग्नल को, पहले किसमें, आपका सारे के सारे सिग्नल ये प्रोसेस है, पहले आपके जो जिस भी वो फॉर्म में है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, ठीक है, अगर मेरा कोई किट है, ऐसे समझेंगे, अगर मेरी कोई किट है, मुझे किट की आउटपुट किस पे देखनी है, अपने सीआरओ में देखनी है, सीआरओ पे देखनी है, तो वो क्या करेगा उस सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, अभी पहले मैं इतनी बात कर रही, और अगर वो सिग्नल मुझे एक जगह से दूसरी जगह पर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करना है, भेजना है, तो वो सिग्नल पहले सिग्नल किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बाद वो कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर वो जिसके पास पहुंचेगा, सपोज मैंने मैसेज भेजा हम दूर, ठीक है, तो यहाँ से कन्वर्ट हुआ मैसेज, मैंने भेज दिया, टाइप हो गया, मेरे फोन ने उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जो मेरा इसमें जो एंटीना लगा हुआ वो क्या करेगा, उसको प्रोसेस कर दिया डिवाइस ने, फिर जब उसको सिग्नल्स को भेजेगा तो वो क्या करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में उसे कन्वर्ट करके भेजेगा, फिर हम के जो फोन का क्या है, जो फोन का एंटीना है वो क्या करेगा, उस सिग्नल को कैप्चर करेगा, और इसके अंदर जो डिवाइस लगी हुई है, जैसे फोन में देखने की स्क्रीन है, वो स्क्रीन क्या करेगी, उसको कन्वर्ट करेगी, सपोज वीडियो सिग्नल है तो वीडियो में कन्वर्ट करेगी, ठीक है, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल से आपके वीडियो सिग्नल, समझ आएगी मेरी बात, ये प्रोसेसिंग। लेकिन अगर मुझे कोई मेरी किट है, उस किट में सीआरओ लगा हुआ है, और मुझे किसी वोल्टेज सिग्नल का फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स देखना है, मैं ये कह रही हूँ मुझे आरसी कपल्ड का देखना है, मैंने आरसी कपलिंग यूज की है, आपने अपने एम्पलीफायर में, ओडी पावर एम्पलीफायर में आरसी कपलिंग को यूज किया है, तो उसका अगर आप फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स देखोगे तो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स यही आएगा ना, ऑब्वियसली बात है, ऐसे रिस्पॉन्स आएगा, तो आप क्या करोगे, आप उसको देखना चाहोगे तो वो सही काम कर भी रहा है कि नहीं, तो उसके लिए आपको सीआरओ में देखना पड़ेगा, ठीक है, जो आप उसमें लगे हुए हैं क्या कहते हैं लैब में, ठीक है, तो उसमें अगर आप ये देखोगे तो ये मतलब ये सही आ रहा है, तो वहाँ पे आपका सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट नहीं होगा, वो किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब मैं आपको ऐसे बताती हूँ, अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आप बोल रहे हो माइक्रोफोन से, आपने माइक्रोफोन से बोला कुछ, कौन सी वेव सीख ली हमारे मुँह से, कौन सी साउंड भी तो कर रहे हो आप, तो वो नाम क्या होगा, साउंड वेव, ठीक है, ये आपकी साउंड वेव्स, तो जो भी आप प्रतिक्रिया दोगे, आप कोई चीज बजा रहे हो तो उसे भी साउंड वेव्स, जो आपको सुनाई देती है दैट इज द साउंड वेव्स, ठीक है, आपने उसको माइक्रोफोन में बोला वो साउंड वेव्स में कन्वर्ट हुआ, साउंड वेव्स से फिर आपके माइक्रोफोन ने पहले साउंड वेव्स को लिया, आपने बोला, लेकिन माइक्रोफोन ने उन साउंड वेव को किस में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल किस में पहुंचेंगे, ट्रांजिस्टर के ऊपर,
ट्रांजिस्टर, कौन सा ट्रांजिस्टर को हमने, जो ट्रांजिस्टर को हमने किसमें एक्टिव रीजन में यूज करा है, जो मैंने अभी आपको सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर दिया, वो उसमें कन्वर्ट होगा। फिर आपने ये आपका ट्रांजिस्टर है, मतलब माइक्रोफोन से साउंड वेव कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हैं वो सब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोसेस करती है, वो कोई भी साउंड वेव को प्रोसेस नहीं करेंगे, हमेशा जो भी सिग्नल आएगा वो पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में है, साउंड की फॉर्म में है, किसी की भी फॉर्म, ठीक है, वीडियो की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में, समझ आ रही है मेरे पास, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। ये काम कौन करता है, ट्रांसड्यूसर करता है, तो माइक्रोफोन जो है एक तरीके से आपका ट्रांसड्यूसर, माइक्रोफोन आपको दिखाई दे रहा है या माइक दिखाई दे रहा है, उसके अंदर ट्रांसड्यूसर लगा है। अगर आपको प्रेशर भी दे रहा है किसी सिग्नल पे और आपको प्रोसेस कराना है, तो प्रेशर भी पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, समझ आ गया मेरी बात, मतलब जो डिवाइस बनती है उस डिवाइस के अंदर ट्रांसड्यूसर लगा होता है, हमारा जो एंटीना है वो भी सिग्नल को कन्वर्ट करो, तो वो भी क्या है, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या है कि आपके एक टाइप के सिग्नल को ये आप पढ़ोगे सेकंड ईयर, सॉरी सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में, आईईटी सब्जेक्ट है उसके अंदर पढ़ोगे, ठीक है। हाँ, तो जो आपका ट्रांसड्यूसर है उस ट्रांसड्यूसर के इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है, तो वो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ट्रांसड्यूसर का सिंपल मतलब ये है जो एक टाइप की एनर्जी को हमारी रिक्वायर्ड एनर्जी में जिस फॉर्म में हमें वो चाहिए उसमें कन्वर्ट, दैट इज अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल में एक टाइप की किसी भी टाइप की एनर्जी को रिक्वायर्ड ह्यूमन की फॉर्म में, जो जैसे हम लोग चाहते हैं उस फॉर्म में कन्वर्ट करें, दैट इज ऑल्सो ट्रांसड्यूसर। समझ आ गया? तो माइक्रोफोन को आपने क्या किया, माइक्रोफोन पे आपने कुछ बोला, साउंड सिग्नल जो थे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में माइक्रोफोन ने कन्वर्ट करके किस पे, एम्पलीफायर के पास भेजा, तो ये फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर। अब मुझे क्या करना था, मुझे वो बात कम से कम लाउड स्पीकर पे पूरी सुनाई दे अच्छे से, तो उसके लिए मैं एक स्टेज से तो काम चलेगा, किसी भी कीमत से नहीं चलेगा, ये मैं ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है, कि वोल्टेज लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो मुझे वोल्टेज लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे 2-3-4 ऐसे क्या करना पड़ेगा, स्टेजेस को यूज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसके जैसे ही एक स्टेज यहाँ पे और यूज कर, समझ आ रही मेरी बात, तो ये एम्पलीफायर, ये एम्पलीफायर, अभी तो ये सिग्नल क्या है, सिग्नल में क्या आपकी वोल्टेज होगी, करंट होगी, और उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, पावर, ठीक है। तो पहले हम क्या यूज कर रहे हैं, जो पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, तो अब क्या होगा, इस स्टेज का जो वोल्टेज गेन होगा, इस स्टेज का जो वोल्टेज गेन होगा, जो आपने यहाँ पे दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू, आपने सिग्नल से भेज दिया इसको, इस एम्पलीफायर को, इसने प्रोसेस किया, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन गई, फिर इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन गई, ठीक है, मैं तीन स्टेज से समझा। अब क्या होगा, इस एम्पलीफायर के, इन दो एम्पलीफायर के आउटपुट को दूसरे की इनपुट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको नहीं जोड़ा जा सकता, हम क्या करेंगे, कपलिंग मेथड को यूज करेंगे, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया। अब वो आपकी मर्जी, आप आरसी कपलिंग यूज करो, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग यूज करो या डायरेक्ट कपलिंग यूज करो, वो डिपेंड करता है कि आपकी आउटपुट कैसे चाहिए, आपको फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स किसी एक पॉइंट पे ज्यादा चाहिए, अगर मैं FM की बात करूँ तो वहाँ पे बिल्कुल भी आरसी कपल्ड एम्पलीफायर नहीं चल पाएगा, वहाँ पे कौन सा चलेगा, डायरेक्ट कपलिंग चलेगा, ठीक है, सॉरी ट्रांसफॉर्मर कपलिंग चलेगा, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग चलेगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर कपलिंग किसी एक पॉइंट पे मैक्सिमम आउटपुट देती है, दिस जो मैं आपको समझाया, समझ आ गई, क्योंकि FM क्या कहता है कि आपने 92.7 सुनना है, तो 92.7 ही सुनाई दे, इधर उधर के आसपास का क्या ना करे, बार बार गाने के बीच में दूसरा गाना सुन दे, एक यही तो होता है ना, तो वहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मर कपलिंग को सुन, समझ आ गया मेरी बात, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, आपको इसको, इस स्टेज को इस स्टेज के साथ कनेक्ट करना है, या इस स्टेज को इस स्टेज के साथ कनेक्ट करना है, तो अब आपको मैंने जैसे बताया कि आप आरसी कपलिंग को यूज कर रहे हो, उसके फायदे बताए, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग को यूज कर रहे हो उसके बारे में बताया, मैंने डायरेक्ट कपलिंग को बताया कि क्यों यूज करें, आपने इसको कनेक्ट कर दिया, कुछ लेवल तो इधर बढ़ गया वोल्टेज का, आउटपुट से इनपुट में, एम्पलीफायर गेन को बढ़ाता है ना, एम्पलीफायर का मतलब ही क्या है, एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन मतलब गेन को बढ़ा देना, आउटपुट को इनपुट पे जब वो भेजे तो बढ़ी हुई अवस्था में भेजे, मतलब एम्पलीफायर का मतलब ही ये है कि वीक सिग्नल को लार्ज सिग्नल में कन्वर्ट कर, एम्पलीफायर का काम ही है, एम्पलीफायर का मतलब सिंपल क्या है, बढ़ा देना, जैसे मतलब कोई बच्चा कह रहा है कि इसे एम्पलीफाइड करो, इसे एम्पलीफाइड करो मतलब इसको बूस्ट करो,
जिसे हम कहते हैं इसको हुटिंग करो ताकि इसमें थोड़ा जोश आए, तो वही चीज एम्पलीफायर जब वोल्टेज लेवल को बढ़ाना चाहिए, समझ आ गई मेरी बात। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेज से गेन बढ़ा, ये सफिशिएंट नहीं था, फिर हमने एक गेन और बढ़ाया, तो जो बढ़ा हुआ गेन था वो इसके साथ जुड़ गया, तो अब जब ये क्या करेगा और गेन को इंक्रीज कर देगा, फिर इसका बढ़ा हुआ गेन फिर आपने थर्ड स्टेज पे भेजा, वो फिर और क्या कर देगा उसको इंक्रीज कर, समझ आ गया मेरी बात। ये अब मैं डायरेक्टली ये तो इसने वोल्टेज गेन को बढ़ाया, इसने तो वोल्टेज के गेन को बढ़ाया, वोल्टेज यानी एक तरीके से उसने बी भी बढ़ाया और यहीं पे इसका आई भी बढ़ गया, ठीक है बी और आई बढ़ गया। लेकिन मुझे क्या करना था, मुझे लाउडस्पीकर पे सुनने के लिए वोल्टेज के साथ साथ पावर चाहिए, मुझे पावर, क्योंकि जो भी आउटपुट आप जो साउंड सिग्नल्स आप ऊपर से सुनना चाह रहे हो उसके वोल्टेज गेन के साथ साथ उस चीज़ को प्रॉपरली सुनने के लिए उसका पावर लेवल बड़ा होना चाहिए। पावर जितनी ज़्यादा होगी, अब देखो इसको ऐसे समझते हैं, मेरे अंदर बहुत एनर्जी है लेकिन मैं बोल बहुत धीरे धीरे, ठीक है आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर मैं और ज़्यादा एनर्जी से बोलूँ, पावर और ज़्यादा लगाऊँ तो आपको लगेगा कि इस टॉपिक में शायद बहुत कुछ समझने वाला है, समझ आई मेरी बात। तो वही काम हमारा किसका है, वोल्टेज लेवल, वोल्टेज गेन, वोल्टेज एम्पलीफायर से वोल्टेज गेन को बढ़ाना है, और हमें अपने हमारा जो लाउड स्पीकर वो अगर आप डायरेक्टली वोल्टेज गेन दोगे तो वो वैल्यू आपको बहुत मतलब वेरीफाइड होगी, आपको बोलेगा तो है सुनाई भी देगा, ऐसा नहीं कि सुनाई नहीं देगा। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे लाउड स्पीकर कनेक्ट कर दो इसकी आउटपुट तो वो आपको सुनाई देगा, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं सुनाई देगा जिस लेवल पे आप चाह रहे हो, आप चाह रहे थे वो एक किलोमीटर पे सुनाई दे, वो आधे किलोमीटर पे जाके उसके बाद वो शोर से सुनाई दे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वोल्टेज एम्पलीफायर के बाद में जाके आपके आपको पता लग गया कि इतनी लेवल मेरे लिए सफिशिएंट है, इतना गेप सफिशिएंट है, तो आप डायरेक्टली उसको एम्पलीफायर पे उस पे लाउड स्पीकर पे उस वैल्यू को नहीं दोगे, उसके आउटपुट को आप क्या करोगे, पावर को, पावर एम्पलीफायर को पहले क्या दोगे, ये आउटपुट पहले पावर एम्पलीफायर की इनपुट पे जाएगी, समझ आएगी मेरी बात, ठीक है। तो वो जो वोल्टेज थी वो पहले पावर एम्पलीफायर पे जाएगी, और वो पावर एम्पलीफायर क्या करेगा, वोल्टेज को इंक्रीज ना करके, वोल्टेज तो पहले देना आपका बढ़ ही गया, वो क्या करेगा टोटल पावर को इंक्रीज करेगा, मतलब पूरे आपको पावर एम्पलीफायर बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, आपको चार पावर एम्पलीफायर लगाने की जरूरत नहीं है, मल्टी स्टेज में आप उसे वोल्टेज गेन को एक बार बढ़ा लो, और बढ़ाने के बाद उसकी टोटल गेन के सिर्फ पावर को आप इंक्रीज करो, कि पावर जो है पावर एम्पलीफायर है वो वन टाइम में ही इतनी पावर को इंक्रीज कर देगा जितनी की आपको जरूरत है, समझ आया मेरी बात। तो आप अगर लाउडस्पीकर पे आप डायरेक्टली वोल्टेज एम्पलीफायर को देते हो और आपसे कोई क्वेश्चन पूछे क्या वो आउटपुट नहीं देगा, वो आउटपुट देगा, लेकिन अगर हम सपोज ये चाह रहे हैं कि वो एक किलोमीटर की रेंज में सुनाई दे, हो सकता है वो 0.75 मीटर की रेंज में जाके ही चीजें सुनना इकोज होना शुरू हो, खाली गूंजना शुरू, समझ आ गया मेरी बात। तो पावर एम्पलीफायर का जरूरत ये होती है कि डायरेक्ट अगर आप माइक्रोफोन पे उस पे लाउड स्पीकर पे उस वैल्यू को दोगे वोल्टेज एम्पलीफायर की, तो वो क्या करेगी, वो उसको ड्राइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वोल्टेज एम्पलीफायर इस तरीके से डिजाइन होता है जिसमें आपके किसी भी आउटपुट डिवाइस जैसे आपका लाउड स्पीकर है उसकी इम्पीडेंस प्रॉपरली मैच नहीं करती। हम क्या करते हैं, जो भी हमें, और एक चीज और बताती हूँ आपको, जो आपका पावर एम्पलीफायर और जो लाउड स्पीकर है उसकी इम्पीडेंस मैचिंग बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। इम्पीडेंस मैचिंग का मतलब है, जैसे मैंने आपको पाइप का एग्जांपल लेकर समझाया था, अगर एक पाइप तो बहुत बड़ा है और एक पाइप बहुत छोटा है तो पानी बाहर से निकलता चला जाएगा, निकलेगा ना, अगर आप ऐसे जोड़ोगे, आपको दो पाइप को जोड़ के पानी आगे तक बढ़ाना चाह रहे हो तो बीच में से पानी लीक होना शुरू हो जाएगा, तो पानी आउटपुट इनपुट से जो आप दे रहे हो वो आउटपुट पे नहीं है। या आप ये कहोगे आपने टंकी से पाइप डाला और फनल बार बार बहुत खुली है या बहुत छोटी है, फनल उसके अंदर इंसर्ट नहीं हो पाएगी पूरी, तो क्या होगा, आपको पानी लीक करेगा, तो आउटपुट पे आपको पूरी आउटपुट मिल पाएगी, पानी नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगी ना, क्योंकि पहले लीक कर जा रहा है, तो पहले इनपुट पहले से लीक कर रही है, कम जा रही है, तो आउटपुट पे क्या मिलेगा। तो सेम है, तो हम ये चाहते हैं कि आप अगर पाइप जो है पूरा का पूरा इंसर्टेड है प्रॉपर, तो आउटपुट पे आपको वही मिलेगा जो आपको इनपुट पे मिलेगा, जितना पानी का फ्लो आपके इनपुट पे है उतने पूरा का पूरा आउटपुट पाइप के थ्रू आपको कहाँ जाएगा, आउटपुट ग्राउंड पे, जहाँ पे भी आप चाहते हैं। तो वो वाली जो चीज है उसे हम बोलते हैं इम्पीडेंस मैच, क्या बोलते हैं इम्पीडेंस मैच, मतलब V इज इक्वल टू आई आर ना कहके V इज इक्वल टू आई जेड, या R और Z का मैंने बताया क्या मतलब।
तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज एम्पलीफायर के बाद में आउटपुट पे देने से पहले जिसमें भी हम उसको ड्राइव करवाना चाह रहे हैं सिस्टम को, जहां से हम आउटपुट देना चाह रहे हैं, उसमें हर बार आपका पहले पावर एम्पलीफायर करेगा, क्योंकि वो क्या करेगा उसकी पावर को इंक्रीज करेगा। वोल्टेज आपकी ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है, पावर एम्पलीफायर का काम ही होता है कि वो इंपीडेंस मैचिंग को मैच कर दे, कि जो वोल्टेज गेन आपका टोटल आया है वो पावर एम्पलीफायर के इनपुट पे, फिर आपका क्या होगा वो देखेगा कि कितना पावर इंक्रीज करना है, मेरे लाउडस्पीकर का पावर कितना है, ना तो ज्यादा ना कम, उसके आसपास, ठीक है, तो वो उसको ड्राइव करेगा, तो आपको लाउडस्पीकर पे परफेक्ट वॉइस सुनाई देगा। समझ आ गई मेरी बात? तो दिस इज द नीड ऑफ द पावर एम्पलीफायर। आप ये कह सकते हो कि पावर एम्पलीफायर की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है, इन शॉर्ट बता रहा हूँ, पावर एम्पलीफायर की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर आप वोल्टेज एम्पलीफायर को डायरेक्टली पावर एम्पलीफायर पे दोगे तो लाउड स्पीकर का एग्जांपल लेके समझाना, तो उस केस में क्योंकि वोल्टेज एम्पलीफायर की और लाउड स्पीकर की इम्पीडेंस मैचिंग प्रॉपर नहीं होती, हमेशा ऐसा होता, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो वोल्टेज आपको लाउड स्पीकर पे वॉइस सुनाई देगी लेकिन वो उतनी परफेक्ट नहीं सुनाई देगी जिसकी वजह से हमने स्टेजेस को इंक्रीज किया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले पावर की उस वोल्टेज लेवल के पावर को बढ़ाया जाएगा ताकि उस सर्किट की इंपीडेंस मैचिंग प्रॉपर हो सके। समझ आ गई मेरी बात? तो आप एक लाइन लिख लीजिए पावर एम्पलीफायर में, देखिएगा नीड ऑफ पावर एम्पलीफायर और इसका एक डायग्राम बना लीजिए ऐसे। ये आपकी इनपुट है माइक्रोफोन, कुछ भी इनपुट का लिख लीजिए, माइक्रोफोन, माइक, कुछ भी, और यहाँ पे लिखिएगा यहाँ पे साउंड वेव्स। चलो तो कितने लिखूंगी मैं जब आगे सुनाऊंगी पावर एम्पलीफायर जब डिजाइन बनाऊंगी तब बताऊँ। फिर यहाँ पे आपका ये आपका वोल्टेज एम्पलीफायर हो गया, ये आपका पावर एम्पलीफायर हो गया, और ये आपका लाउडस्पीकर, ये आपका लाउडस्पीकर, ठीक है, ये लाउडस्पीकर। डायग्राम को बनाइए फिर मैं दो लाइन दिखा देती हूँ। उसके बाद जो डिफरेंसेस हैं वो मैं कल करूँगी, अभी आपसे थोड़ा सा, ठीक है, बोलो बच्चों। देखिए पावर एम्पलीफायर इज द लास्ट स्टेज of any electronic system, ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। कभी भी इनिशियल स्टेज नहीं हो सकती, कभी भी मिड स्टेज नहीं हो सकती। पावर एम्पलीफायर इज द लास्ट स्टेज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल इन अ पब्लिक एड्रेस सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल in any public address system if a person speaks सबको समझ आ रहा है ना, if a person speak on the microphone then by the microphone the sound waves convert into the electrical wave, the signal breaks it, sound wave converts into the electrical wave or electrical signal. This electrical signal has very less voltage level.
वेरी लेस वोल्टेज लेवल, बहुत कम वोल्टेज लेवल होता है। नेक्स्ट केस में ड्यू टू विच, जिसके कारण, ड्यू टू विच दिस सिग्नल कैनॉट बी गिवन। मैं इंग्लिश में भी हिंदी में एक बार इसको ट्रांसलेट कर दूंगी, पहले लिख लू, ड्यू टू विच दिस सिग्नल कैनॉट बी गिवन डायरेक्टली, कैनॉट बी गिवन, पॉइंट्स में लिखो, पैराग्राफ में मत लिखो, cannot be given directly, cannot be given directly on the loudspeaker, on the loudspeaker, loudspeaker पे directly नहीं दिए जा सकते, because loudspeaker cannot convert it, cannot convert it into the sound waves again, into the sound waves again, into the sound waves again। मतलब अगर आप डायरेक्टली एक स्टेज या दो स्टेज के सिग्नल्स को साउंड वेव से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्टेज लेवल इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन आप अगर उसे लाउड स्पीकर पर डायरेक्टली दोगे तो वोल्टेज एम्पलीफायर से वो लाउड स्पीकर पर चले तो जाएंगे, लेकिन वो उसके सिग्नल्स को बहुत हाई लेवल तक कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, साउंड वेव्स में कन्वर्ट कर ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर दिस फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई नेक्स्ट पॉइंट, फॉर दिस फर्स्ट वी हैव टू raise, बढ़ाना, RAISE या increase लिख लो, first we have to raise या increase the voltage level of the signal by multi-stage voltage amplifier, and after it, इसके बाद, increase the power level of this voltage signal, increase the power level of this voltage signal by the power amplifier which loudspeaker easily drive and convert it into the sound signals। अब मैं आपको इस इंग्लिश किस को नहीं समझ आई, एक बार हिंदी में बोलो, साउंड इनटू द साउंड सिग्नल्स। आप सुन लो, क्योंकि अब मैं अगर एक लाइन में बता दूं तो आपको समझ आ जाएगा और आपकी स्पीड थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगी। देखिएगा, पावर एम्पलीफायर इज द लास्ट स्टेज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। पावर एम्पलीफायर जो है वो हमेशा लास्ट स्टेज होती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है। आप उसमें देखिए, आपको समझ आएगा, मैं सेम पढ़ के सेम ट्रांसलेट करूँ। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन एनी पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इन किसी भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम क्या होता है कि हमने यहाँ बोला वो सबको सुनाई देती है, ठीक है। किसी भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम में If a person speaks on the microphone, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है माइक्रोफोन पे बोलता है, then by the microphone the sound wave convert into the electrical wave या electrical signal। तब माइक्रोफोन के द्वारा ये साउंड वेव, ध्वनि तरंगे,
किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट हो जाती है, एंड दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैज वेरी लेस वोल्टेज लेवल, और इन कन्वर्टेड जो जो हमने बोला है उस सिग्नल्स को उसने कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन उनका जो वोल्टेज लेवल है वो बहुत कम होता है, मिली वोल्ट के आसपास ही होता है। अगर जो मैं बोल रही हूँ उसको मैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो तो उसका वोल्टेज लेवल आप सीआरओ में देखोगे तो बहुत कम होगा, मिली वोल्ट के आसपास दिखाई देगा, तो वो किसी पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे डायरेक्टली नहीं दिया जा सकता। जो उसका वोल्टेज लेवल अभी आपको तो सुनाई दे रहा है, अगर कोई बच्चा बाहर खड़ा होगा तो उसको नहीं सुनाई दे रहा होगा, अगर कोई उन पत्तों के पेड़ के पास खड़ा है तो उसको नहीं सुनाई देगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बहुत तेज बोलना पड़ेगा या मुझे कोई माइक्रो मतलब स्पीकर वगैरह पे बोलना, स्पीकर का यूज करके फोन पे स्पीकर पे करके कुछ बोलना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, यानी आपको उसका वोल्टेज लेवल को बढ़ाना। अब क्या होता है कि उसके बाद मैंने लिखवाया दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैज वेरी लेस वोल्टेज लेवल ड्यू टू विच दिस सिग्नल कैन नॉट बी गिवन डायरेक्टली टू द लाउडस्पीकर, जिसकी वजह से दिस सिग्नल इन सिग्नलों को डायरेक्टली किस पे नहीं दिया जा सकता, लाउडस्पीकर पे, बिकॉज क्योंकि लाउडस्पीकर कैन नॉट कन्वर्ट, क्योंकि हमें लाउडस्पीकर पे क्या सुनना है, साउंड सिग्नल, साउंड सुनना है ना, तो हम साउंड सिग्नल को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। फॉर दिस इसके लिए फर्स्ट वी हैव टू रेज द वोल्टेज लेवल, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको वोल्टेज लेवल को ही बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसके वोल्टेज लेवल को बढ़ाया ऑफ द सिग्नल, जो सिग्नल हमें दिया किसके साथ, किसकी हेल्प से, बाय मल्टी स्टेज वोल्टेज एम्पलीफायर, वो सारे वोल्टेज एम्पलीफायर को आपने कास कैडिंग में जोड़ दिया, वो आरसी कपल से जोड़ा क्या जोड़ा वो हम अभी नेक्स्ट में, ठीक है। और इसके बाद एंड आफ्टर रेट इसके बाद इंक्रीज द पावर लेवल, इस पावर लेवल को हमने क्या, इसकी पावर को भी बढ़ाया, वोल्टेज लेवल को तो बढ़ाए पावर को भी बढ़ाए ताकि वो बस फटे नहीं, तो पावर लेवल को बढ़ाया, जिससे क्या होगा कि अब जो सिग्नल अब आप लाउडस्पीकर पे लोगे वो इजीली बढ़ी हुई वोल्टेज लेवल और पावर के साथ में जो इनपुट में बोला जा रहा है वो और ज्यादा मिलेगा, कहाँ सुनाई देगा, लाउडस्पीकर में। समझ आई बात, ये काम क्योंकि लाउडस्पीकर का काम क्या है, माइक्रोफोन का काम है साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना, लाउडस्पीकर का काम क्या है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड वेव पे कन्वर्ट करना। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि लाउडस्पीकर क्या काम करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड वेव सिग्नल में या साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में या साउंड को वीडियो सिग्नल में, तो आपको याद रखना जैसा इनपुट है हर सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा ही, ठीक है।